मूंग की दाल के दही बल्ले, उड़द और मूंग की दाल को मैंने भिगो के 4 घंटे पीस लिया है, और अब ये डाल दिया तेल कढ़ाई में, खूब अच्छा सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें भल्ले डालेंगे। भल्ले डालिए, पहले फेंट लिए खूब अच्छी तरह, और फिर भल्ले बना लिए इसमें, पकौड़ियाँ सी बना ली, और अब डीप फ्राई कर लेंगे इनको, उल्ट पलट करके थोड़ी ब्राउन हो जाएंगे तब निकाल लेंगे। गैस तेज़ रखनी है, कम गैस में सारा तेल पी जाएंगे फिर। और अब ये गुनगुने पानी में डाल दिए हैं, इसमें बना रही हूँ मैं चटनी, मीठी चटनी इमली की। इमली की चटनी को पहले गर्म पानी में भिगो दिया, और फिर इसको अच्छी तरह हाथ से मसलना है, हाथ से मसल के और फिर छान लिया। छानने के बाद ये छान लिया, और एक अच्छी तरह खूब छानना है, फिर पतीली में रख के गैस पर, और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, और 150 ग्राम गुड़, 150 ग्राम गुड़ डाल के, और फिर इसको गर्म करना है 15-20 मिनट। अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, और थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी बन जाएगी। चटनी बना के रख ली हमने, भल्ले भी बन गए हैं और चटनी भी, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं पानी में, 15-20 मिनट हो गए इनको पानी में। अब निचोड़ निचोड़ के अच्छी तरह सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से, और इनको निकाल लिया। अब जीरा भून लिया तवे पर, जीरा आलू सब तैयार है। जीरे को थोड़ा कुंडी में पीस लिया है। अब दही को हम मोटी छलनी से, जो सूप छानने वाली छलनी होती है, उसमें से एक बार निकाल लेंगे। 2 चम्मच खांड, 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, और भुना हुआ जीरा। तो फिर इसको फेंट लेंगे दही को अच्छी तरीके से। ये बिल्कुल अच्छी खट्टी मीठी सी दही बन गई अब। और ये भल्ले सारे पानी में से 2 बार निकाल लिए ठंडे पानी में से। अब ये भल्ले प्लेट में डाल लो, ऊपर से नमक मिर्च जीरा और दही और आलू काट के डाल के, और ऊपर से चटनी। इतने टेस्टी दही भल्ले बनेंगे, खाओ और खिलाओ। धन्यवाद आपका। पहले आलू काट दिए, ये देख कितने टेस्टी दही भल्ले बने। थैंक यू।